ओके का गाइस, बहुत फॉर्म में जा रहे सब लोग भाई यार, बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब तमिल लैंग्वेज। और गाइस यार यहाँ पे भाई साहब हेलमेट का उतना क्रेज नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। कैसे आप सभी लोग? गाइस होप करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस यार अभी के लिए हूं मैं बेंगलुरु में, और गाइस यार आज का ये लास्ट ब्लॉग है बेंगलुरु, क्योंकि भाई साहब मैं लेके चल रहा हूं आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में गाइस हम सबसे पहले जाएंगे एलागिरी। एलागिरी भाई साहब मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। यहाँ से भाई साहब 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर पहले चलते हैं, छोटा टारगेट रखते हैं। और गाइस यार अभी मतलब बज गए हैं 10 के आसपास भाई साहब, और यहाँ से मेरे को चलना सबसे पहले यहाँ पे यातूर रोड। यातूर रोड से भाई साहब वो सीधा जाएगा तमिलनाडु को। चलो गाइस तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु से भाई साहब हम चलेंगे चेन्नई। चेन्नई भाई साहब किसको नहीं घूमना है, तो लेके चलते हैं आपको तमिलनाडु। और गाइस यार कल मैं भाई साहब फिर से अपने दोस्त के पास रुक गया था, क्योंकि मतलब कल इधर घूमते घूमते मेरे को मतलब शाम हो गया था, तो इसकी वजह से मैं सोचा रास्ते में रुकने से अच्छा है दोस्त के पास ही रुक जाऊँ। तो भाई साहब अभी के लिए लेके चल रहे हैं आपको येलागिरी। तो चलो भाई साहब चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। और गाइस यार आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे लिफ्ट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइस यार सामने हमारे हाईवे है भाई साहब, यहाँ से कुछ दूर चल के जाना पड़ेगा, तो पहले हम लोग कुछ दूर चल के जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और गाइस यार सामने का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है। ये देखो भाई साहब, ये है सामने का नज़ारा। और भाई साहब यहाँ देखो, ये पूरा मतलब पेड़ बिकते हैं यहाँ पे फूलों के, हर किसी चीज़ के। तो चलो गाइस हम लोग चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं। तो गाइस यार लिफ्ट मिली है भाई साहब, पता नहीं कहाँ तक का, जो मतलब बैटरी वाला वो होता है। इस पर हेलमेट अलाउड नहीं है ना भाई, इस पर हेलमेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा गाइस। तो इस पर लिफ्ट मिली है, चलो भाई साहब जहाँ तक चलते हैं यहाँ तक चलते हैं। और गाइस यार देखो भाई साहब जिससे मतलब डिलीवरी करते हैं भाई साहब उस पर लिफ्ट मिली है, तो चलो फिलहाल निकलते हैं गाइस। गाइस यार वो भाई ने भाई साहब मेरे को 1 किलोमीटर छोड़ दिया। और गाइस यार यहाँ से भाई साहब मेन हाईवे जो है वो मतलब 1.2 किलोमीटर या मतलब 1.5 किलोमीटर होगा। तो गाइस यार चलो फटाफट वहाँ पे चलते हैं। और गाइस यार कल आपने देखा होगा भाई साहब, कल मैंने आपको बहुत सी जगह घुमाई है। गाइस यार इसरो का जो हेड ऑफिस है ना वो भाई साहब यहीं बेंगलुरु में है। और गाइस यार जो फाइटर विमान होता है ना वो भी यहीं पे भाई साहब बनता है बेंगलुरु में ही। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा इधर पे मतलब वो देखने को मिला मेरे को। और गाइस यार कल मैंने आपको इधर का विधानसभा भी दिखाया है। तो चलो भाई साहब फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं और फटाफट पहुँचते हैं तमिलनाडु में। और गाइस यार तमिलनाडु को घूमते हैं पूरा। तमिलनाडु में भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए, तो चलो फिलहाल निकलते हैं। तो गाइस यार भाई साहब फिर से एक लिफ्ट मिली है, देखो मैंने हेलमेट लगा लिया, ये भैया के पास हेलमेट ना। गाइस यार इन्होंने लिफ्ट दे दिया, चलो फिलहाल निकलते हैं भाई, फटाफट पहुँचते हैं। तो गाइस यार वो भैया ने भाई साहब मेरे को लाके 2-3 किलोमीटर छोड़ दिया वर्थूर सिटी में। और गाइस यार ये है वर्थूर सिटी भाई साहब, देखो पूरा ट्रैफिक जाम है। तो गाइस यार अभी हमको भाई साहब सिटी पार करके जाना है और आगे। तो गाइस यार यही रोड जाएगा सीधा तमिलनाडु को, तो चलो भाई साहब तमिलनाडु चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे गाइस। गाइस यार अभी भाई साहब मैं बेंगलुरु सिटी से 4-5 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। और गाइस यार यहाँ पे भाई साहब हेलमेट का उतना क्रेज नहीं है, सिंगल बंदा जा रहा है तो सिंगल बंदा लगाए रहता है, और जिसका मन करता है वो नहीं भी लगाए रहता है। और भाई साहब पीछे अगर बैठा है तो वो लगाए चाहे ना लगाए कोई बात नहीं, अगर उसको सेफ्टी चाहिए तो लगा ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई साहब अभी मैं इधर से चल रहा हूँ होसूर, होसूर से गाइस चलेंगे हम लोग तमिलनाडु। तो गाइस यार भाई साहब अब मेरे को थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा है, क्योंकि अभी एक लिफ्ट मिली थी, उन्होंने लाके मेरे को 5-6 किलोमीटर आगे तक छोड़ दिया है। और गाइस यार कल भाई साहब मतलब बेंगलुरु सिटी में काफ़ी ज़्यादा घूम के मज़ा आ गया। और भाई साहब अभी मैं मतलब 12 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। तो गाइस यार चलो फिलहाल चलते हैं, ये वाला रोड जाएगा भाई साहब होसूर के लिए, ये है मेन रोड गाइस। और ये मतलब एक सर्विस रोड भी जाता है अंदर से ये वाला। गाइस यार अपने को मेन रोड पकड़ के चलना है भाई साहब, इधर से लिफ्ट देते हैं और इधर से पहुंचेंगे गाइस। अभी मतलब 138 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलो फिलहाल निकलते हैं गाइस, धूप बहुत तगड़ी हो गई है अभी फिलहाल। सो गाइस यार फाइनली भाई साहब अभी मैं लिफ्ट लेकर आ गया हूँ गाइस यार अत्तिवेले। और गाइस यार ये है अत्तिवेले का भाई साहब लास्ट मतलब वो कर्नाटक का लास्ट बॉर्डर। इधर से भाई साहब 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो तमिलनाडु का बॉर्डर आ जाएगा। तो चलो भाई साहब ये वाला सीधा रोड जाएगा गाइस यार तमिलनाडु को, तो चलो तमिलनाडु चलते हैं भाई साहब और फिर मिलते हैं आपसे। ये ऊपर का फ्लाईओवर गया हुआ है, मैं थोड़ी दूर जाऊंगा तो भाई साहब ट्रक वर्क मिलने लगेगा लिफ्ट। यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लिफ्ट नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मैं लिफ्ट ले लेके भाई साहब पहुँच चुका हूँ फाइनली अत्तिवेले, ये जगह का नाम है गाइस अत्तिवेले। और इधर से फिलहाल चलना अपने को तमिलनाडु येलागिरी। इधर से भाई यार मतलब इधर से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ना तो आ जाएगा बॉर्डर तमिलनाडु का, और कर्नाटक का ये लास्ट मतलब वो है अत्तिवेले। तो चलो फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं इधर से सामने की तरफ।
तो गाइस यार भाई साहब देखो मैं धीरे धीरे चल चल के भाई साहब ये अत्तीबेली का पीछे मतलब वो टोल प्लाजा है गाइस, और मैं टोल प्लाजा पार करके आ गया हूँ। इधर इधर भाई साहब मेरे को काफ़ी ट्रक दिख रहा है, इधर से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मतलब लिफ्ट मिल जाएगा, और इधर से आधा किलोमीटर के बाद भाई साहब है तमिलनाडु का मतलब बॉर्डर, तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर। तो चलो गाइस चलते हैं, फिलहाल किसी ट्रक वाले से लिफ्ट लेते हैं, और गाइस यार ट्रक में लिफ्ट मिल जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फिलहाल इधर से निकलते हैं गाइस, ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। तो गाइस यार भाई साहब फाइनली मैं तमिलनाडु के अंदर भाई एंटर कर चुका हूँ। ये देखो गाइस ये है तमिलनाडु का मतलब और कर्नाटक का बॉर्डर भाई साहब, वो देखो यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है। और गाइस यार भाई साहब जैसे मैं इधर एंटर किया तैसे मोबाइल में मैसेज भी आ गया कि मतलब सिम की तरफ से वेलकम टू तमिलनाडु गाइस। और ये भाई साहब यहाँ का बॉर्डर, ये उसके उधर है भाई कर्नाटक, इधर से स्टार्ट है तमिलनाडु। तो गाइस यार देखते हैं भाई साहब यहाँ से लिफ्ट मिलेगी कि नहीं, ट्राई करते हैं, ट्रक वालों को रोकते हैं गाइस, ट्रक में थोड़ा मतलब आराम रहेगा। फिलहाल देखते हैं ट्राई करते हैं। धूप बहुत तेज निकल गया भाई, पूरा आसमान देखो कैसा मतलब बादल कैसा दिख रहा है गाइस, बादल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा धुएं की तरह फोक रखा हुआ है भाई। तो चलो फिलहाल ट्रक तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मतलब टोल प्लाजा है ना सामने, इसकी वजह से। इधर पे गाइस अब मेरे को एक चीज़ की दिक्कत आएगी कि मतलब इधर हिंदी बोलने वाले नहीं रहेंगे, तो देखते हैं अभी इधर इतना साइड तो जो है मतलब इधर तो थोड़ा मोड़ा रहेंगे हिंदी बोलने वाले, फिलहाल देखते हैं। गाइस यार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, भाई सब वो साइड से जा रहे हैं यार, इसकी वजह से नहीं रोक रहे हैं क्या, सब वो साइड से जा रहे हैं लगता है, इसकी वजह से नहीं रोक रहे हैं भैया। ओ ओ ओ ओ चलो गाइस मैं लिफ्ट लेके मिलता हूँ भाई, नहीं तो ऐसा बहुत टाइम हो जाएगा। तो गाइस यार बोला था ना भाई साहब इधर पे हिंदी की दिक्कत पड़ेगी, अभी अभी से पढ़ने लगी है। और गाइस यार मेरे को लिफ्ट मिला है 10 किलोमीटर का एक ट्रक में, ये देखो भाई ये ट्रक है। तो चलो गाइस फिलहाल निकलते हैं, जितना हो सकता है उतना मतलब ट्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे और क्या करेंगे, फिलहाल आपको तो घुमाना है, तो फिलहाल चलो चलते हैं गाइस। होसूर तक की लिफ्ट मिली है भाई साहब, इधर से मतलब होसूर एक सिटी है, उधर उधर तक की लिफ्ट मिली है, तो चलो फिलहाल निकलते हैं। अपने को तो समझ में नहीं आती कुछ भी थोड़ा भी, बाइक में उतार क्यों नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब 10 ही किलोमीटर जाना है, तो चलो फिलहाल इधर से निकलते हैं। तो गाइस यार फाइनली भाई साहब वो भाई ने मेरे को लाके होसूर छोड़ दिया है लगभग 5-6 किलोमीटर, और गाइस यार यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है चेन्नई यहाँ से है गाइस मतलब 306 किलोमीटर, एक भाई साहब सेलम करके सिटी है 162 किलोमीटर, और होसूर तो भाई साहब यही है। तो गाइस यार अभी भाई साहब मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ से लिफ्ट लेना स्टार्ट करते हैं। और गाइस यार आपने देखा भाई साहब वो भाई कैसा मतलब तमिल में बोल रहा था, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल देखते हैं अभी आगे का जर्नी कैसा रहेगा। चेन्नई में भाई साहब हिंदी सबको समझ में आती होगी क्योंकि वहाँ पे मतलब सब स्टेट के लोग रहते होंगे, कैसा बेंगलुरु में सबको हिंदी समझ में आती है क्योंकि यहाँ सब स्टेट के लोग रहते हैं, तो ऐसे ही भाई साहब मतलब चेन्नई में भी सबको समझ में आती होगी, लेकिन ये जो लोकल मतलब सिटी है ना यहाँ पे भाई साहब किसी को ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आती। तो फिलहाल चलो यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ से आगे की जर्नी। तो गाइस यार भाई साहब 30 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है, ये भाई ने दिया है देखो, और भाई को भाई साहब बहुत मतलब थोड़ा बहुत एकदम मतलब ना के बराबर हिंदी आती है। हाँ हिंदी आती है आपको समझ में, थोड़ा थोड़ा आता ना गाइस यार, इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ में आती है इसलिए भाई साहब इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दिया 30 किलोमीटर की। तो चलो गाइस यार चलते हैं, फिलहाल 30 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं और भाई साहब फिर उसके बाद मिलते हैं वहाँ पे। अभी गाइस यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो फिलहाल निकलते हैं गाइस धीरे धीरे करके। तो गाइस यार फाइनली भाई साहब वो भैया ने मेरे को लाके भाई साहब एक मतलब सिटी है, सिटी का नाम मेरे को नहीं पता, सिटी है, और भाई साहब यहाँ फ्लाईओवर पे लाके छोड़ दिया है। गाइस यार यहाँ से भाई साहब हम लोग चलते हैं लिफ्ट लेके, भाई साहब लोकेशन अभी 88 किलोमीटर और बचा है, और गाइस यार चलते हैं भाई साहब लोकेशन पे फटाफट पहुँचते हैं। धूप इतनी तगड़ी है भाई साहब, देख लो आप लोग चेहरे पे इतना लग रहा है, ये है भाई साहब सामने का नज़ारा, धूप बहुत ही तगड़ी है गाइस। इधर से कोई ट्रक आए तो उसको रुकाते हैं भाई, देखते हैं पहुँचते हैं। बाप रे इतना तेज जा रहा है भाई ट्रक वाले लोग, कोई नहीं रोकेगा गाइस, बहुत फॉर्म में जा रहे सब लोग भाई यार, बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे गाइस, पता नहीं कोई रोकेगा कि नहीं भाई।
अभी तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है यार, कोई रोकेगा कि नहीं, इतना फॉर्म में सब लोग चल रहे भाई। चलो फिलहाल देखते हैं। सो गाइस यार, भाई साहब हाईवे पे खड़े खड़े लिफ्ट नहीं मिलती, कोई मतलब रोक नहीं रहता, इतना फॉर्म में जा रहे थे सब लोग। और गाइस यार, नीचे भाई साहब एक ट्रक खड़ी थी, इन्होंने मेरे को देखा तो इन्होंने बुला लिया भाई साहब। यहाँ भी दिखाओ, इन्होंने मेरे को देखा भाई, भाई। दिले साके एमपी से बिलोंग करता हूँ, रीवा जिले से। एमपी से? ओ तो गाइस यार, ये अंकल जी चेन्नई जा रहे हैं, रामनगर भरत रामनगर का रामनगर ब्लॉक का हूँ। अच्छा, गाँव का नाम भरतपुर है, 10 नंबर वार्ड। ओके, तो गाइस यार चलो भाई साहब आपको लेके चलते हैं। गाइस ये चेन्नई तक जा रहे हैं। मैं गाइस येलागिरी तक जा रहा हूँ, येलागिरी मतलब सोच रहा हूँ अभी मैं येलागिरी चलूँ या डायरेक्ट आपको चेन्नई लेके चलूँ भाई। तो चलो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे गाइस। अगर चेन्नई जाएंगे तो भाई साहब चेन्नई तक पहुँच जाएंगे हम लोग। चलो फिलहाल निकलते हैं। हाँ, कहाँ तक चले? मैं तो चेन्नई जाना ही है मेरे को, चेन्नई जाना है। मनाली में, मनाली जब आपको अगर मेरे साथ आना है हाँ। तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो गाइस यार अंकल चेन्नई तक जा रहे हैं भाई साहब, तो चलो देखते हैं, अगर रास्ते में रुकने का मन करेगा तो रुकेंगे, नहीं तो चेन्नई चलेंगे गाइस। चलो आपको चेन्नई लेके चलते हैं भाई। चलो अंकल चेन्नई चलते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब चेन्नई चलते हैं हम लोग। भाई यार सामने के नज़ारे इतने खतरनाक है ना, इतने मतलब हरियाली हरियाली, मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब। यहाँ से देखो गाइस, ये पूरा हरा हरा दिख रहा है। और गाइस यार सामने पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं भाई साहब, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ है। और गाइस यार ये है यहाँ सामने का नज़ारा, इधर पे मतलब कितनी हरियाली है सामने, देखो अंकल जी चला रहे। और गाइस यार यहाँ पे बैठ के ना एकदम लग्जरी वाला फील आ रहा है, ये ट्रक का जो ये मतलब ये वाला होता ना, अंकल का सीट में स्प्रिंग लगा हुआ पूरा, ऐसा नीचे 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 ऊपर होता रहता है। एक दिन में ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा चला देते, बोलते मतलब 500 किलोमीटर साढ़े 500 किलोमीटर एक दिन में खींच देते हैं भाई। एकदम लग्जरी वाला फील आ रहा है। देखो इधर पे कूलर लगा हुआ दिया गाइस, इधर भी इधर भी इधर भी। और भाई साहब सिस्टम देख लो इसका, काफी खतरनाक। और इधर पे पूरा सीट 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 सीट, इधर दो आदमी आराम से सो सकते हैं। बट गाइस यार सिंगल चलाते हैं क्योंकि मतलब पेट्रोल का गाड़ी है ना, ऑयल अंकल पेट्रोल है भाई, इसकी वजह से सिंगल ही चलाते हैं। और गाइस यार यहाँ से ये नज़ारा देखो भाई, कितना प्यारा दिख रहा है। भाई यार मैं अभी भाई साहब आपको घाटी का नज़ारा दिखाता हूँ, पहाड़ों का क्या खूबसूरत दिख रहा है गाइस। ये देखो भाई इतना खतरनाक दिख रहा है ना, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लो पूरा। उधर पे देखो भाई साहब, उधर पे धूप है, इधर पे छांव है, पूरा खतरनाक वाला दिख रहा है एकदम। और हम लोग ट्रक से भाई साहब स्लो स्लो जा रहे हैं एकदम, देखो गाड़ियाँ आगे चल रही हैं और हम लोग भी स्लो स्लो जा रहे हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, भाई साहब ये देखो, ये है भाई साहब जो मतलब पहाड़ पे आप लोग देखते हो ना गाइस, मतलब ऐसा पंखे की तरह चलता है ये भाई साहब, देखो ये वही है, इतना बड़ा है गाइस। ये देखो भाई साहब दो तीन खड़ा है भाई यार, जो आप लोग पहाड़ों पे देखते हो ना ऐसा मतलब चलते रहता है, जो रिन्यू पावर रहता है ना, जो मतलब बिजली मतलब पैदा करता है, उसका पंख था भाई, इतना बड़ा था गाइस, आप लोगों ने देखा होगा भाई, रास्ते में खड़ा था, मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यार अभी देखो भाई साहब 5 बज गया है और हम रुके हैं भाई साहब नारियल पानी पीने के लिए। तो चलो गाइस नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद भाई साहब मिलते हैं आपसे। और यहाँ का लैंग्वेज भाई साहब बहुत ही गंदा है, मतलब गंदा नहीं है बहुत ही, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। ये देखो भाई साहब ऐसा सड़क पर बिक रहा है नारियल पानी, तो पीते हैं। क्या हुआ? 2 पीस काटो ₹60 लो, ठीक है? नहीं, वीडियो कैमरा। हाँ, वीडियो कैमरा। आपको हिंदी समझ में आती? हिंदी नहीं, तमिल। तमिल? अरे हिंदी तमिल बोल तो रही हो आप। हिंदी आता जी। हिंदी बोल रहे हो, बोल रहे हैं हिंदी नहीं, आपको आता हिंदी? इनको नहीं आता भाई, ज्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आता इधर पे तमिल में। चलो ठीक है, हाँ यूट्यूब यूट्यूब न्यूज वाला साथ में प्रॉब्लम जी हो जाएगा। कितने रुपए का बोल रहे हैं? चलो 70 लो, 70। क्या हुआ? लीटर वाटर, हाफ लीटर वाटर 40।
40 70 लो 70 पोलाची पानी वाला दो का 70 लो हां 70 लो काट करो जे भाई साहब झिकझिक हो रहा है मान गए हां मान गए 70 में मान गए चलो भाई साहब मलाई वाला काटना है ना चेन्नई ना हां ना मद्रासी चेन्नई सीधा मलाई वाला मलाई मलाई उधर भैया पानी कटर पर पानी मेरे को मलाई वाला ले लो मलाई वाला काटना भैया वो पाइप नहीं गाइस यार मलाई वाला कुछ और मजा आता है थोड़ा पाइप निकालो ना देखो देखो भाई मेरे को मत मार दे जरा आय 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 हां लैंग्वेज प्रॉब्लम है आप लॉरी ड्राइवर है अच्छा तो भाई साहब ये देखो लॉरी ड्राइवर है गाइस ये भी अभी नारियल पानी पीने के लिए आए हो मैंने एक पीस बचानी है एप्पल्स का एयरबड्स में एक मज आ गया ना बैंगलोर बंद हो गया ब्रेक से गया बंद हो गया इधर बंद हो गया कहां से लिए आप यार सेटिंग से बचा ना हरियाणा से माल होना नवेडा से लोडिंग करावा है विदाउट बिल अपने मैनेजर से गाइस यार अभी देखो भाई साहब हम लोग नारियल पानी पी रहे थे गाइस उधर एक एप्पल का एयरबड्स बेच रहा था भाई साहब वो डुप्लीकेट था 27,000 उस पे रेट लिखा हुआ था 26,999 और गाइस यार वो दे रहा था 15,000 का भाई साहब नीचे आते आते वो 1,300 पे मान गया था मैं लेने जा रहा था भाई साहब लेकिन उसका मतलब जब चेक किया खोल के ना तो एक कान का बज रहा है एक कान का बज ही नहीं रहा भाई फिर मैंने वापस कर दिया मैं बोला एक कान का जो बज रहा है उसका मतलब 500 में दे दे लेकिन दिया नहीं माना नहीं भाई साहब वो आईफोन का डुप्लीकेट था बट गाइस चलो ठीक है कोई बात नहीं नहीं माना उसके पास एक ही पीस था नहीं माना कोई बात नहीं चलो ठीक है तो गाइस यार फाइनली भाई साहब हम लोग सिटी के मतलब सिटी में हैं और ब्रिज के ऊपर है ब्रिज के ऊपर से कुछ नज़ारा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये देख लो भाई साहब कितना खतरनाक पहाड़ी दिख रहा है पूरा एकदम खतरनाक वाला लोकेशन है भाई भाई साहब एक्चुअली एक दिक्कत आ जाता है मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ ना तो ये शीशे में दिखता नहीं है अंकल जी को तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाता है भाई साहब बाकी लोकेशन देखो आपको कितना खतरनाक दिख रहा है और ये भाई साहब सिटी गाइस यार फाइनली देखो भाई साहब अभी रात हो गई है और अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं गाइस बारिश भी होने लगी है भाई साहब देखो पूरा मतलब वाइपर चल रहा है अभी ये देखो धीरे धीरे इधर बहुत पता चल रही है और गाइस यार अभी हमको भाई साहब बहुत ही दूर जाना है मतलब 350 किलोमीटर दिखा रहा है हम लोग को जाना था दूसरी रूट से बट हम लोग मेन रूट से जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर से मतलब घुस के अंदर से जा रहे हैं बीचों बीच तो भाई साहब जो मेन रोड है उधर से क्योंकि लोकेशन गाइस यार कभी कभी बहुत गंदा फंसा देता है भाई जो बाईपास वाला रोड रहता है मतलब सिंगल वाला रोड रहता है वो वाला दिखा देता है शॉर्ट के चक्कर में तो उस पर जाके फंस जाते हैं तो अंकल जी अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं और गाइस यार अभी हम लोग को जाना पड़ेगा तो रात को कहीं रुकना पड़ेगा फिर देखते हैं भाई साहब कहीं रुकते हैं उसके बाद मतलब फिर कल जाएंगे तो गाइस यार भाई साहब बारिश इतना तेज हो गई है ना कि भाई साहब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है बहुत तेज हो गई है गाइस ये देखो पूरा रास्ते में बारिश हो गया भाई वाइपर तब से चल ही रहा है गाइस बहुत टाइम से देखो हमने शीशा उसे भी बंद कर दिया ये इतना खोल के रखे भाई साहब ताकि भाप ना बने और अंकल जी गाड़ी चला रहे भाई अभी बच गए मतलब 7:25 गाइस बारिश कैसा होने लगा पूरा हाँ बिंदास मुंबई की भाषा में बोलते बिंदास बिंदास पाउसाला है ये देखो भाई साहब वाइपर तब से चली रहा है गाइस बारिश काफी तेज होने लगी है जोरदार बारिश रात का टाइम हो गया ना इसलिए पता नहीं चल रहा है भाई 8 बजने वाले हैं अभी गाइस यार भाई साहब अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी 500 मीटर पहले मतलब आधा किलोमीटर गाइस पहले मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी आपने वीडियो देखा होगा और इधर देखो भाई साहब पूरा सड़क सूखा है और गाइस यार इधर बारिश ही नहीं हुआ है और भाई साहब अभी मतलब 8 बज के गए तो भाई साहब हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए तो चलते भाई साहब खाना खाते हैं उसके बाद फिर इधर से निकलेंगे गाइस तो गाइस यार फाइनली भाई साहब हम लोग ट्रक से उतर गए हैं और गाइस यार यहाँ का नज़ारा देख लो भाई साहब पूरा एकदम फुल रात हो चुका है और यहाँ पे एक गाइस यार छोटा सा टोल प्लाजा है और यहाँ पे बाजू में सब होटल है तो गाइस यार यहाँ पे हम लोग रुक के खाना खाएंगे पता नहीं गाइस आगे मतलब ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा या मतलब कम आगे जाना पड़ेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा जल्दी तो हम लोग इधर पे खा लेते हैं उसके बाद फिर इधर से निकलेंगे गाइस तो चलो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं मेरा चेहरा दिख नहीं रहा गाइस मैं पूरा ब्लैक दिख रहा हूँ तो गाइस यार भाई साहब देखो अपना मतलब
प्लेट लग चुका है। ये भाई साहब केले का पत्ता, और ये देखो भैया लोग के भी लगा है, ये लोग यहीं से हैं। कुछ बोलोगे भैया? हाय, हम तमिलनाडु का आदमी है। मेरा नाम मणि है, मेरा साल है वो, हम भी वो ड्राइवर था अभी चेन्नई जा रहा हूँ इनके साथ। भाई साहब ये लोग भी चेन्नई जा रहे हैं, और गाइस देखो प्लेट लग चुका, मतलब प्लेट यही है भाई साहब, थाली थाली मतलब ये देखो पत्ता है, और ये अंग्रेजी बैठे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, हर ड्राइवर के अंदर ऐसा अपना प्रेम होना चाहिए। सही बात है, हर ड्राइवर भाई है। तो गाइस यार खाना खाते हैं भाई साहब, उसके बाद इधर से निकलते हैं। तो गाइस यार देखो भाई साहब, अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और गाइस यार पीछे था होटल, और भाई साहब हम आ गए अपनी ट्रक के पास। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ से चलते हैं। अभी भी भाई अभी मतलब 8:30 बज गए होंगे, 9 बजने को आए हैं, और गाइस यार अभी अभी भी हम लोग मतलब 100 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। तो चलो फिलहाल चलते हैं गाइस। अंकल जी हाँ बाबू चलो चलो। तो गाइस यार फाइनली देखो भाई साहब अभी रात हो चुका है, और हम लोग को रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं सोने भाई साहब, और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये देखो अंकल जी सो रहे हैं, और गाइस यार मैं भी चल रहा हूँ सोने के लिए। तो गाइस यार मिलते हैं आपको कल सुबह, और गाइस यार ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई साहब। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।